Bismillahirrahmanirrahim. This is our Mechanics 2 course, and this is our lecture number 8. Aur jo hum discuss karenge, that is work kinetic energy theorem for the rotational motion. So, isko hum energy consideration in rotational motion bhi keh sakte hain, aur हम इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर द रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी जो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, दैट इज द नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन रोटेटिंग अ सिमेट्रिक रिजिड ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इक्वल्स द चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल एनर्जी। इसके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक रिजिड ऑब्जेक्ट दैट इज पिवोटेड एट ओरिजिन एट ओ पॉइंट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी व्हिच रोटेट्स इट थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, यानी बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो मूव करवाती है, रोटेट करवाती है अबाउट द पिवट दैट इज ओ। अब ओ से जो पी तक जो हम पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये हमारा फोर्स वेक्टर है। इस फोर्स वेक्टर को अगर हम रिसॉल्व करें कंपोनेंट्स में, तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज एफ साइन ऑफ फाइव, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोसाइन ऑफ फाई आ जाएगा। और ये इस फोर्स के लगने से जो ये पॉइंट मूव करेगा, ये पॉइंट हिस्सा है इस रिजिड ऑब्जेक्ट का, मूव करेगा थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डीएस, ठीक है। और ये इसको हम एक दफा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द रिजिड ऑब्जेक्ट पिवोटेड एट ओ एंड एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी व्हिच रोटेट्स इट थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस डीएस व्हिच इज इक्वल टू आर डी थीटा। वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। एफ यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहा है, दैट इज ओनली एफ साइन ऑफ फाइ। एफ कोसाइन ऑफ फाइ जो है ये बैलेंस कर रहा है किस चीज को, सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। ये एफ साइन ऑफ फाइ मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। We know that the magnitude of the torque is tau is equal to R F sine of phi. So, फिर equation number one बन जाएगी, dW is equal to tau d theta. Now, the rate at which work is being done is called power, and which is given by P is equal to dW over theta dt. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tau into d theta over dt. और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है, पावर विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी विच इज इक्वल टू टाओ इनटू ओमेगा, डी थीटा ओवर डी टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं। दिस इज द पावर डिलीवर टू द ऑब्जेक्ट टू रोटेट। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स द चेंज इन रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। To prove this, we begin with the torque. Torque किसके बराबर है? Summation tau is equal to I into alpha, which is I into d omega over dt. Alpha को हम ऐसे लिख सकते हैं, change in rate of change of angular velocity. तो chain rule से हम क्या कर रहे हैं? ऐसे आप समझे, हमने d theta से divide भी कर दिया और multiply भी कर दिया। हमारे पास summation tau is equal to I d omega over d theta multiplied by omega. तो अगर हम इस लास्ट इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण टाउ डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू दैट इज वर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेटिंग टू इवेल्युएट टोटल वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, या समीकरण डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू आई टू डब्ल्यू एफ, सॉरी ओमेगा आई टू ओमेगा एफ, आई ओमेगा डी ओमेगा।
समीशन W इज इक्वल टू 1 बाय 2 आई ओमेगा एफ स्केयर, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो माइनस 1 बाय 2 आई ओमेगा आई स्केयर. दिस इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर द रोटेशनल मोशन. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.